go. जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां पर ये फिल्म का एक गाना है, अशोक तिवारी जी ने लिखा एमडी फिल्म की तरफ से, दिनेश साहू जी का ये गाना, ये सब सब्जियों के ऊपर में गाना है, नहीं मिठाई रे नहीं मिठाई करूँ करूँ नहीं मिठाई करके। तिवारी जी, क्या गाना कुछ है ये? संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अशोक तिवारी। आप मतलब मालूम है कि घर घर में आज स्थिति है कि कुछ भी बनावे तो लोग पसंद भी आते हैं और पसंद भी नहीं आवे। तो एक परिवार की कहानी है जेकर गाना के बोल हवे, नहीं मिठावे का वो नहीं मिठावे ना, तीवरा चना भाजी मजेदार, करेला करो नहीं मिठावे ना। एला पारिवारिक रूप से घर में फिल्माया गया है। एमा गायक हवे विवेक शर्मा जी और म्यूजिक दे है विवेक नीलेश शर्मा जी और एमा काम करत हवे भाई करण खान जी सुपरस्टार, मोना सेन जी सुपरस्टार, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही बड़े बड़े लोग इमें काम करत थे। एला बनात हवे हमार मित्र भाई दिनेश साहू जी, एमडी एंटरटेनमेंट चैनल के अंतर्गत आप देखे मिली तो जरूर आप देखियो और सब्सक्राइब भी करियो और आनंद भी ले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी बात है, दिनेश साहू जी है, एमडी फिल्म के नाम से अभी शुरू किया है, एक जय भोले के नाम से गाना भी गाया बनाया था अभी नवरात्रि में, इस पे सावन पे और नवरात्रि पे भी गाने का अवसर इनको मिलने वाला है। क्या कुछ कहेंगे आज ये गाना, ये मुझे लगता है कि बड़ा पारिवारिक गाना बना। बिल्कुल है। बहुत आप तपेश भी आप देख रहे होंगे गाना कितना अच्छा सुंदर मिठास है गाने में, और उतना ही एक्टिंग हमारे पास जो करण खान सुपर स्टार वो है, मोना सेन है और उनके बच्चे हैं। पहली बार आपको देखने को मिलेगा आप लोगों को कि करण खान के दोनों बच्चे जो इस फिल्म में इस एल्बम में एक्ट कर रहे हैं। और अच्छा दिख रहा है, ये गांव जो है अमलीडी है, मोना सेन जी हमारे साथ में है। मोना जी, किस तरीके का गाना है और क्या कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? बहुत सुंदर गाना है, गाना इतना जोरदार है, एक पारिवारिक गाना है जो हर घर में होते कि पत्नी कितना अच्छा सब्जी बना ले कितना भी अच्छा, लेकिन पति का अगर पेट भर गए ना बोला कुछ सुहाने वाला नहीं है। तो हर घर के कहानी ये गाना में दिखाए गए है और गाना करे में इतना मजा आते आनंद आते जियत है ने गाना ला ऐसे हमला महसूस हो आती है। बहुत अच्छा बात है, यहाँ गांव के बच्चे भी हैं। चंदन हमारे साथ में है, आ जाओ चंदन। क्या कुछ कहोगे जी, क्या कुछ कहोगे इस गाने को करने? इस गाने को करने के लिए यही कहूँगा कि ये गाना करने में इतना मजा आ रहा है कि मुझे लगता है कि ये गाना छत्तीसगढ़ के हर एक आम इंसान के पसंद आ गया, क्योंकि एक आम इंसान के घर में जो बीतता है मतलब एक सच्ची घटना पर आधारित एक गाना है। और मैं खुश हूँ कि अशोक तिवारी जी ने इतना सुंदर गाना लिखा है जो हर एक आम इंसान की कहानी नजर आती है, हर घर में जो मियाँ बीवी की जो नोकझोंक होती है वो नजर आती है। और गाने की शूटिंग करना भी बहुत मजा आ रहा है और दिनेश जी बहुत सब चीज़ों की सुविधा हमको दे रहे हैं, जो जो गाने की डिमांड है। कैमरा और एडिट में कौन जाएंगे दिनेश भाई? कैमरा तो अभी है, एक कैमरा आप बता दीजिए कौन है? कैमरा तामेश है, तामेश दो कैमरा एडिट तामेश दो है। अच्छा, क्यों दिनेश भाई आप भी इसमें एक्टिंग कर रहे हैं साथ में? हाँ, मैं भी एक्टिंग के इसमें, मेरे साथ मेरी एक बीवी है और मैं करण खान का मतलब हीरो का दोस्त हूँ, तो मेरे यहाँ जो चीज बनता है ना वो उसके यहाँ नहीं बनता, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बीवी नहीं बनाती है, तो इसलिए ये बस गाने का ताना बाना यही है। अच्छा, करण भाई हमारे साथ में है। करण भाई, बहुत दिन बाद में मैं आपसे मुलाकात हो पा रहा है, कैसा कुछ लग रहा है गाना? बहुत बढ़िया बढ़िया गाना है, एकदम जोरदार गाना है। और जैसे ये गाना ला दिनेश जी मोला सुनाई से, मतलब मैं तो एकदम उंगली रख दे रहा हूँ कि भाई ये गाना मैच करूंगा करके, तो गाना बहुत सुगर है। थोड़ा बहुत याद आ सके क्या गाना है?
ये बहुत अच्छा गाना है, विवेक शर्मा जी गाए है। एला अगर ऑफ करूँ तो मैं खुद गा के बताऊँ। एला अरे नहीं मिठावे नहीं मिठावे नहीं मिठावे कावो मोला नहीं मिठावे नहीं मिठावे नहीं मिठावे ना तिवरा चना भाजी मजेदार करेला करू नहीं मिठावे ना। ये गाना बोल है एकदम सुपर हिट गाना। बहुत अच्छा है कि पूरे जो सब्जियां हैं हमारी संस्कृति है और छत्तीसगढ़ के खान पान अभी चलत है। छत्तीसगढ़ ही में अभी थोड़ा गोठिया लेता हूँ मैं भी, तो खान पान चलत है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति छत्तीसगढ़ियापन ओखर जो रस है वो देखे पर गाना में मिली ऐसे लगते है। बिल्कुल मिली। अशोक तिवारी जी बहुत सुघर लिखे है और जतका सुघर अशोक तिवारी जी लिखे है उतके सुघर पंडित विवेक शर्मा एला गाए है स्वरबद्ध करे है और जतका सुघर ओमन लिखे और गाए है उतका सुघर मोना जी एला परफॉर्म करत है और एक साथ महू थोड़ा सा प्रयास करत हूँ। कहते कि करण और मोना के जोड़ी पहले दुनिया में सात अजूबे आठवीं हमन मन के जोड़ी ऐसी कहानी है। बहुत सारा एल्बम करे हो हम। हाँ। बहुत ट्यूमिंग और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया का कहते हो। हमन लगभग 27 साल से हमन काम करत हन। अच्छा। ये भगवान के बहुत बड़ी कृपा है कि हमन के जोड़ी ला हमारे छत्तीसगढ़ के वासी मन पसंद करते। हमन के केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। हमन सबसे गाना करते लेकिन करण जी के साथ जब भी मैं गाना करता हूँ या शायद मोर साथ भी गाना करते तो हम लोग बहुत खुशी होते हैं। वो गाना में हमन जिए के कोशिश भी करते हैं। एकाद शेर भी हो जाए अपन बंद पूरे गांव में जाधव तो मोना सेन के किसी का डायलॉग मुझे याद आता है। वो बजा थे बना है वो गांव हैं क्या चीज है शेर एकाद बताओ। आपको अपने दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आए तो आपको हम सोने नहीं देंगे, आपकी खुशी हमें इतनी प्यारी है कि हम मर भी गए तो आपको हम रोने नहीं देंगे। वाह वाह। ये करण खान ला देख के बोली सही लेकिन दर्शक मल्ला है कि आपके जो खुशी है बोला कम नहीं होने दे ही मोना सेन गांव गांव में एक स्थिति लोकप्रिय है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में आप मन देखते रहो छत्तीसगढ़ीला आगे छत्तीसगढ़ीला खाओ। पहले एक गाना बना था खान पान पे छत्तीसगढ़ीला पियो छत्तीसगढ़ीला पियो छत्तीसगढ़ीला सौ छत्तीसगढ़ी माँ उड़ाओ सब काम छत्तीसगढ़ में करे बर है काबर की ये धरती अमन मन के छत्तीसगढ़िया है और बहुत मिठ हवे और मिठ लपरा भी बहुत सारे हवे वो बात अलग है। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।